पाकिस्तान सुपर लीग 2021। तो दोस्तों, आज की हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं PSL 2021 के टीम्स के बारे में, शेड्यूल के बारे में, वेन्यूज के बारे में, टाइमिंग के भी बारे में, स्क्वाड्स के बारे में, और आखिरी में हम लोग बात करेंगे BSL 2021 के लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो बहुत बड़ी भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों जितनी वीडियो बड़ी होगी उतनी ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीम्स के बारे में। तो दोस्तों कुल 6 टीम पार्टिसिपेट करने वाली है PSL 2021 में, जो कि है कराची किंग्स, पेशवा आर्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स, कोटक कैल्टियटर्स, मुल्तान सुल्तान्स। तो दोस्तों ये तो बात कर ली हमने 6 टीमें की जो कि PSL 2021 में पार्टिसिपेट करने वाली है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं शेड्यूल की। तो दोस्तों कुल PSL में 34 मैचेस खेले जाएंगे, और आप वो लिस्ट स्क्रीन पे देख सकते हो कि कौन कौन से मैचेस खेले जाएंगे। तो दोस्तों 20 फरवरी को पहला मैच शुरू होगा कराची किंग्स वर्सेस कोटक कैल्टियटर्स के साथ, जो कि दोस्तों नाइट मैच होगा, और 21 को खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशवा आर्मी, जो कि दोस्तों डे मैच होगा, और नाइट में खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। और 22 फरवरी 30-24 को नाइट मैच खेला जाएगा, जो कि है 22 को खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोलकाता कैल्टियटर्स, 30 को खेला जाएगा पेशवा आर्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, और 24 को खेला जाएगा कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। और दोस्तों 26-27 को डे नाइट टेस्ट T20 होगा, जो कि होगा दोस्तों लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, और नाइट में शुरू होगा पेशवा आर्मी वर्सेस कोलकाता कैल्टियटर्स, और 27 को शुरू होगा डे मैच कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, और नाइट में शुरू होगा पेशवा आर्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। और दोस्तों फिर उसके बाद 28-1 को शुरू होगा नाइट मैच, दोस्तों 28 को शुरू होगा कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कैल्टियटर्स, और 1 मार्च को शुरू होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोटक कैल्टियटर्स, और दोस्तों 3 मार्च को डे मैच होगा, जो कि है दोस्तों डे में कराची किंग्स वर्सेस पेशवा आर्मी, नाइट में शुरू होगा कोटक कैल्टियटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। और दोस्तों फिर उसके बाद 4-5 मार्च को शुरू होगा नाइट टेस्ट T20 मैच, जो कि है दोस्तों लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, और 6 मार्च को शुरू होगा मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कराची किंग्स, और फिर दोस्तों उसके बाद 6-7 तारीख को डे नाइट मैच शुरू होगा, जो कि दोस्तों डे में शुरू होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोलकाता कैल्टियटर्स, जो कि दोस्तों 6 मार्च से होगा, और दूसरा मैच पेशवा आर्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स, और 7 मार्च को फिर डे नाइट होगा, जो कि है डे में मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कोलकाता कैल्टियटर्स, और नाइट में शुरू होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स। और फिर दोस्तों उसके बाद 10-11 तारीख को नाइट में ही मैच होगा, जो कि होगा 10 तारीख को पेशवा आर्मी वर्सेस कराची किंग्स, और 11 मार्च को शुरू होगा कोटक कैल्टियटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। और दोस्तों फिर उसके बाद 12-13-14 को डे में भी मैच शुरू होगा, और नाइट में भी दोस्तों 12 तारीख को डे में शुरू होगा मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पेशवा आर्मी, और नाइट को शुरू होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स। 14 तारीख को डे में मैच शुरू होगा कोलकाता कैल्टियटर्स वर्सेस कराची किंग्स, और नाइट में शुरू होगा मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। और 14 मार्च को डे में शुरू होगा कोलकाता कैल्टियटर्स वर्सेस पेशवा आर्मी, और नाइट में शुरू होगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स। और दोस्तों 16 मार्च को शुरू होगा दोस्तों तो नाइट टेस्ट
T20 मैच जो कि होगा दोस्तों 15 तारीख को इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशवा सुमी और 16 को होगा मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स। और फिर दोस्तों उसके बाद 18 मार्च को क्वालिफायर शुरू होगा जिसमें कि दोस्तों क्वालिफायर में जो पहली टीम और दूसरी टीम क्वालिफाई करेगी वो खेलेगी। और फिर दोस्तों उसके बाद 19 तारीख को शुरू होगा एलिमिनेटर वन जो कि दोस्तों तीसरी टीम और चौथी टीम खेलेगी आखिरी में। और फिर दोस्तों 20 मार्च को एलिमिनेटर टू होगा। दोस्तों एलिमिनेटर टू में जो क्वालिफायर वाली टीम हारेगी और जो एलिमिनेटर वन वाली टीम जीतेगी वो खेलेगी एलिमिनेटर टू में। और फिर दोस्तों इनमें से जो जीतेगा वो जाएगा फाइनल में। और दोस्तों फाइनल में वो टीम खेली जाएगी जिसमें क्वालिफायर में जो जीता और जो एलिमिनेटर टू में जीता। और दोस्तों जब वो फाइनल भी जीत जाएगी तो वो बन जाएगी PSL 2021 की चैम्पियन। तो दोस्तों ये तो बात कर ली हमने शेड्यूल की भी, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं वेन्यूज की। तो दोस्तों ये PSL के 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक के सारे मैच कराची के स्टेडियम में खेले जाएंगे जो कि दोस्तों नेशनल स्टेडियम है कराची में। और दोस्तों जो उसके बाद के जितने भी मैचेस है वो कडफ स्टेडियम में खेले जाएंगे जो कि लाहौर में है। दोस्तों आप सोच रहे हो के कि जय कडफ स्टेडियम तो वही स्टेडियम है ना जहाँ पे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैचेस हुए थे। तो दोस्तों हाँ जी वही स्टेडियम है। तो ये तो बात कर ली हमने मेन्यूज की भी, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइमिंग के बारे में। तो दोस्तों जोड़े वाले मैचेस हो के वो 2:30 बजे से खेले जाएंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, और जो नाइट वाले मैचेस हो के वो 7:30 बजे से खेले जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि 26 फरवरी को अलग होगा। दोस्तों 26 फरवरी को 3:30 बजे मैचेस खेले जाएंगे सुबह के, और रात को 8:30 बजे खेले जाएंगे। और दोस्तों ये सिर्फ 26 फरवरी को ही होगा। तो दोस्तों ये तो बात कर ली हमने टाइमिंग्स की भी, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं स्क्वाड की। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्क्वाड्स की। तो दोस्तों इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम्स में हैं एलिक्सेल्स, आसिफ अली, कोलिन मर्रो, फहीम अशरफ, हुसैन दलत, उषा खान, शताब खान, सफर गौहर, हसन अली, क्रिस जॉर्डन, लुइस जॉर्जी, फिल शॉट, लोहेल नासिर, नीस टॉपले, इफ्तिका अहमद, मोहम्मद वसीन, जे आर अहमद, साफी अब्दुल्ला और अकीफ जायद। तो दोस्तों ये तो बात कर ली हमने यूनाइटेड वाली टीम की, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कराची किंग्स के स्क्वाड की। तो दोस्तों कराची किंग्स में अमीन जामीन, अरशद इकबाल, बाबर असाम, कोलिन इकराम, इमान वसीम, मोहम्मद आमिर, सरजीत खार, वकास मकसूद, मोहम्मद नबी, डैन क्रिश्चियन, जतविक मोल्टन, चोक क्लॉक, नूर अहमद, तनिश अजीज, मोहम्मद इलास, जिशन मलिक और कोसम अकरम। तो दोस्तों ये है कराची किंग्स के स्क्वाड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर्स की टीम की बात। तो उनके टीम में है बैंडक, डेविड विल्से, दिलबर हुसैन, फकर समान, हरीश रॉफ, मोहम्मद हाफिज, शाहिन शाह अफरीदी, सोहेल अख्तर, राशिद खान, जो टैनी, समित पटेल, डॉम अपैल, जीशन अशरफ, सलमान अली अकब, मोहम्मद फैजान, मास खान, शेख अलम और अहमद तलियान। तो दोस्तों ये है लाहौर कलंदर्स की टीम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान्स की स्क्वाड की बात। तो मुल्तान सुल्तान्स में है शाहिद अफरीदी, इमरान ताहिर, जेम्स विंस, खुशील शाह, लीले रोसो, शान मसूद, सोहेल तानवीर, उस्मान काती, क्रिस लिन, सोहेल खान, मोहम्मद इस्वान, चार्लोस पेड्रेड, शोएब मसूद, शोएब उल्ला, अब्दाम लेट, शाहनवाज थनी, मोहम्मद उमार,
इमरान खान। तो दोस्तों ये तो बात कर ली हमने मोहम्मद सुल्तान के स्क्वाड की भी, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पेशवा शर्मी वाली टीम की। तो उनके टीम में है हैदर अली, कमरान अकबर, लियाम लिविंगस्टोन, शोएब मलिक, वहाब रियाज, टेवी मिलर, मुजीबुर रहमान, रवि बोबाला, शरफेन नदरफोर्ड, अमाद वट, उमेद तस्दीफ, शकीब मोहम्मद महमूद, इमाम हुल, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इरफान, इमरान अहमद, मोहम्मद आमिर खान। तो दोस्तों ये तो बात कर ली हमने पेशवा शर्मी वाली स्क्वाड्स की भी, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिरी टीम की जो कि है क्वेटा ग्लैडिएटर्स। और दोस्तों इनकी स्क्वाड में है अनवर अली, असम खान, पेन कटिंग, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, सरफराज अहमद, शहीद मोहम्मद, महमूद के स्केल, टेल स्टेन, टॉम पैटन, उस्मान खान शिनवरी, कैमरून टैलबोट, कैस अहमद, अब्दुल नाशिद, सैम अयूब, अरिश अली खान और उस्मान खान। तो दोस्तों ये तो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड की बात। तो दोस्तों हमने बात कर ली PSL 2021 के सारे प्लेयर टीमों के स्क्वाड्स की भी, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है लाइव स्ट्रीमिंग की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क इसको टेलीकास्ट करेगा। दोस्तों जे सोनी 10.2 और सोनी 10.2 HD दोनों में जे उपलब्ध है, ये आपको इन दोनों टीवी चैनल्स में जे PSL 2021 देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आप मोबाइल पे लाइव देखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए सोनी लीफ ऐप, अब वहाँ से लाइव जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात कर ली हमने लाइव स्ट्रीमिंग की भी। दोस्तों आप ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इन छः की छः टीमों में से कौन सी टीम सबसे बढ़िया लगती है।